उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो अभी तक हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कल स्टेयर पड़े थे, सफलता की कुंजी सीढ़ी। ठीक है, तो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम कैसे ऊपर जाते हैं, और वहाँ पे हमें जो भी सारी चीज़ें उसमें टेक्निकल टर्म में थे, तो सब कुछ उसमें हम क्या किए थे, अच्छे से जाने थे। और हर टॉपिक को अपने आप से और अपने चीज़ों से क्या करते थे, हम लोग कनेक्ट करके जाने थे उसको। ठीक, आज भी हमारा एक ऐसा टॉपिक है, उसको भी हम अपने जीवन से ही मिला के चलते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि हर टॉपिक में कोई ना कोई इंटरेस्टेड चीज़ें अगर रहती हैं, तो उसी में क्या होता है, सीखने को जानने को महत्व मिलता है। अच्छा, इसको इससे जोड़ के पढ़ेंगे तो ऐसे समझ में आता है। ठीक, सेम चीज़ें वही हैं। यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं इसके फोल्डिंग शोरिंग। ठीक ना, तो इसके फोल्डिंग क्या होता है, शोरिंग क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। ठीक है, इसके फोल्डिंग एंड शोरिंग। इसके फोल्डिंग को हम मचान भी बोलते हैं, पट भी बोलते हैं। ठीक ना, ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक, और फिर उसके बाद जब शोरिंग हम पढ़ते हैं, शोरिंग का मतलब होता है टेक देना। क्या करना, किसी चीज़ को टेक देना, टेक का मतलब सपोर्ट देना। ठीक ना, तो ये सपोर्ट से रिलेटेड है। किससे, सपोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम किसी चीज़ को सपोर्ट दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, और जैसे जैसे उसको सपोर्ट देते हैं, वही हमारा उसके सोरिंग के पार्ट्स हो जाते हैं। तो आप समझ गए इसके फोल्डिंग क्या होता है। इसके फोल्डिंग को अगर हम एक तरह से देखें तो फ्रेमवर्क। ठीक है, तो फ्रेमवर्क क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कितनी पार्ट्स को कितने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एक बार जोड़ के हम इसके फोल्डिंग और फ्रेमवर्क वगैरह बनाते हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं, इसके फोल्डिंग से जो सीखते हैं या जो हम सीखना चाहिए या जिससे हम कनेक्ट करते हैं, इसमें दो बातें होती हैं। जैसे यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है। अलग अलग बांस बल्ली थी, ठीक है, सबके पेड़ अलग अलग थे, अब उनको काटा गया। ठीक, जो सीधे सीधे थे उनको क्या किया गया, काट लिया गया, काट के लेके आए। तो अलग अलग बांस बल्लियों को अलग अलग क्या कर रहे हैं, जगह जगह पे हम लगा रहे हैं। ठीक है, जगह जगह पे कुछ दूर पे दीवार से कुछ दूरी पे हम क्या करते हैं, काटते हैं, लगाते हैं। ठीक है, लगाने के बाद उसको फिर हॉरिजेंटल उसे क्या करते हैं, बांध देते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटली हम क्या करते हैं, बांधते हैं, जिससे वो मजबूत होता है, और उसी के ऊपर मजदूर चढ़ के, ये ठीक है, और मिस्त्री चढ़ के क्या करते हैं, दीवार को ऊपर उठाते जाते हैं। समझ गए आप, उसी के ऊपर मटेरियल वगैरह भी रखते हैं, जैसे मोटार वगैरह, ये सब चीजें। ठीक, तो अलग अलग चीजें थी ना, कहीं अलग अलग चीजें रखी थी, उसका कोई यूज नहीं था, लेकिन उन्हीं को एक साथ जोड़ा गया तो उसमें बल आया, और उस पे हम क्या किए, ऊपर खड़े होके अपना क्या किया, अपने दीवार को हम ऊंचाई तक लेके चले गए, जितना ऊपर तक हमें लेके जाना था। तो अलग थे, कोई महत्व था नहीं था, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जब उनको एक साथ मिला के एक चीज में कार में लिया गया, तो वो क्या हो गया, उसकी महत्वता बढ़ी, इंपॉर्टेंस पता चला इस बांस बल्लियों का। नहीं तो देखते हैं बांस बल्ली ठंडी में आग लगा देते हैं उसमें। ठीक ना, तो वही सारी चीजें हैं, जहां पे जैसे यूज होता है वहां पे उसको ऐसे यूज किया जाता है। दूसरा चीज ये कह सकते हैं कि हमें अपने आप में, अपने जीवन में, अपने आसपास के लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, या लोगों का साथ देना चाहिए। ठीक ना, क्योंकि आप अकेले किसी भी कार्य में, काम अकेले जा तो सकते हो, लेकिन वो जर्नी क्या होगी, लंबी होगी, समय बीतने के बाद भी पहुंच सकते हो समय से। ठीक ना, तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके, लेकिन आप दो चार अगर दोस्त हो, आपस में क्या करो, कोई भी चीजें पढ़ा करो ना, तो उसको डिस्कशन किया करो, उससे क्या होगा, डाउट बहुत सारे क्लियर होते हैं। क्लियर होने के बाद जो चीजें हमें 1 घंटे में समझनी चाहिए थी, पता चला जो चीजें हमें नहीं मालूम थी वो दूसरा जानता है, वो बता दिया ना आपको 10 मिनट में, और कुछ ज्यादा ही तेज बनते हैं उनसे तो दूर ही रहा करो।
लोग ये सोचते हैं कि अरे यार मैं पढ़ लेता हूँ, दूसरा ना जान पाए। ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, इनसे दूर रहा करिए आप लोग। अपने ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना ही आपके ज्ञान बढ़ती है। ठीक, तो ये इसके फोल्डिंग से हम ये चीजें सीखे। जैसे अब ये अलग अलग थे, अपना अलग अलग कोई काम कर सकते थे, एक साथ मिले तब तो काम हुआ इसका। तो वही चीजें हैं। तो दो चार लोग अपना एक ऐसे दोस्त बनाओ जो भी आप ही का आप ही की तरह बनना चाहता है, और जो आप बनना चाहते हैं वो भी वही बनना चाहता है। तो दो चारों लोग का रास्ता जो है सेम है, मिल के जब चारों लोग चलेंगे साथ में तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे जिस जगह पे जाना है। ठीक है, तो इन चीजों को समझा करिए। तो आइए हम पढ़ते हैं, वो इसके फोल्डिंग होता क्या है, जानते हैं क्या होता है। तो भूमि तल से कुछ ऊपर तक हम दीवार तो बैठ के या खड़े होके हम बना लेते हैं, लेकिन जब हमारे ऊंचाई से और ऊपर दीवार को उठाना होता है तो हमें किसी चीज के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जिसके ऊपर खड़े होके हम क्या करते हैं, अपने और ऊपर के कार्य को कर ले। तो कुछ ऊपर खड़े होने के लिए, जैसे नीचे हमें भूमि मिली थी, ठीक है, सरफेस मिला था खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, वैसे ही हम सरफेस ऊपर भी खोजते हैं, तभी तो आप ऊपर बैठ के क्या करोगे, अपना काम करोगे। तो जो सपोर्ट हम प्रोवाइड कराते हैं वही क्या कहलाता है, इसके फोल्डिंग कहलाता है। अब इसके फोल्डिंग में कितनी सारी चीजें होती हैं, कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं, इनको हम देखते हैं। तो आइए, कह रहा है इसके फोल्डिंग किसमें पूछा था, यूपीपीसीएल 2022, ठीक है, सिविल ड्राफ्ट मैन में और डीएसएसबी जेई में। तो ये इसके फोल्डिंग इस टेम्पररी स्ट्रक्चर टू सपोर्ट ओरिजिनल स्ट्रक्चर एज वेल एज वर्कमैन मटेरियल ईटीसी, इट इज प्लेटफॉर्म टू कैरी द कंस्ट्रक्शन वर्क। यह एक प्रकार का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे स्ट्रक्चर को कैरी करने के लिए, बनाने के लिए यूज किया जाता है। और जो ये इसके फोल्डिंग होता है, ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है, टेम्पररी स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं किसके लिए, ओरिजिनल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, एज वेल एज उससे हम अब जो हमारे काम करने वाले आदमी हैं और मटेरियल है उसको हमें सहायता मिलती है, वो क्या कहलाता है, इसके फोल्डिंग कहलाता है। समझ गए आप, चलिए। इंपॉर्टेंट मेंबर हैं इसके फोल्डिंग में, कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये देखिए, ये दीवाल है, ठीक, इस दीवाल में हमें क्या करना था, मान लीजिए हम यहां तक खड़े होके बना लिए, ठीक है, अब इसके ऊपर दीवाल उठाना था तो हम क्या किए, सपोर्ट लगाए, उसके बाद हम क्या किए, खड़े हुए। ठीक, तो ये जो वर्टिकल मेंबर, जो बांस, सबसे बड़ा वाला बांस लगा हुआ था जिसे हम बांस या बल्ली बोलते हैं गांव में, ठीक ना, तो ये वर्टिकल मेंबर होता है। ठीक है, वर्टिकल मेंबर को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर बोलते हैं, जिसे आप बोलते थे अभी तक क्या कहते हैं, खड़ी बल्ली बोलते थे आप, तो खड़ी बल्ली को ही इंग्लिश में आप क्या, हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। समझ गए, चलिए दूसरी चीज है। उसके बाद आता है कि हम तो बांस तो पहले खड़ा कर लेते हैं, जगह जगह दूरी पे क्या करते हैं, खड़ा कर लेते हैं, उसी बांस या बल्ली को, जो खड़ी बल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक, दूसरे उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्टिकल मेंबर लगाते हैं, ठीक ना, अरे सॉरी, वर्टिकल लग गया, अब इन्हीं वर्टिकल मेंबर को हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मेंबर से बांधेंगे। अब आप ये बताइए, वर्टिकल बल्ली ऐसे ऐसे लगी थी, इसके पीछे कई सारी बल्लियां लगी हैं, लेकिन जब हम इधर खड़े होकर देख रहे हैं तो हमें यही दिखाई दे रहा है सिंगल, तो वो चीजें यहां बना, इसके पीछे भी कई दूरी, अलग अलग दूर पे बांस बल्ली ऐसे खड़ी होगी, ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, सपोर्ट देने के लिए हॉरिजॉन्टल में जो लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल में एक सपोर्ट देते हैं, ठीक है, ठीक, ये तो ऐसे हो गया। फिर हॉरिजॉन्टली हम क्या करते हैं, एक सपोर्ट देते हैं, वो क्या कहलाता है, जो हमें यहाँ पे पॉइंट की तरह दिख रहा है ना, पॉइंट की तरह, तो देखिए ये वाली चीज है, ये क्या कहलाता है, लेजर कहलाता है। ठीक,
चलिए अब इसके बाद जब हम इधर आते हैं, ऐसे हो गया ऐसे बच गया, अब हमें इधर भी तो रखना है, तो जो हम ऐसे दिख रहे ये वाली चीजें दिख रही हैं, ये वाली चीजें, इसको हम क्या बोलते हैं, पुट लॉग बोलते हैं। ठीक है, अब पुट लॉग तो रख लिए, पुट लॉग के ऊपर हम खड़े होते हैं और उसी के ऊपर हम मटेरियल रखते हैं और अच्छा सपोर्ट देते हैं, तो वर्किंग प्लेटफॉर्म, ठीक ना, उस पे हम क्या रख देते हैं, छोटे छोटे हम एक प्लेन नुमा प्लेट रख देते हैं, प्लेट कह सकते हो, और जिसपे हम आराम से खड़े हो सकते हैं, बोर्ड कह सकते हो। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें होती हैं। तो स्टैंडर्ड क्या होता है, लेजर क्या होता है, पुटलॉग क्या होता है, ये तो हम समझ गए। उसके बाद आता है ब्रेस। यहाँ क्या नहीं, यहाँ क्या नाम दिया है, ब्रेस। ब्रेस एक प्रकार का, जैसे खूब ऊंचा इसके फोल्डिंग या खूब ऊंचा खड़ी बांस की बल्ली है या दीवार हमारी ऊंची बनानी है, तो उसमें सबसे पहले जो बल्ली लगाते हैं ना, वो एक ही रहती है, नीचे से सपोर्ट होके एक ही रहती है, बीच में उसको बांधते नहीं है, अगर बीच में कम पड़ गया तो बांध लेते हैं, तो वो इधर उधर ना हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायगोनली हम एक सपोर्ट दे देते हैं, क्या करते हैं इस प्रकार से, जैसे हमने एक खड़ी बल्ली लगाई, दूसरी खड़ी बल्ली लगाई, तीसरी खड़ी बल्ली लगाई। ठीक है, तो ये क्या कहला गया, स्टैंडर्ड क्या कहलाया, स्टैंडर्ड कहलाया। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड लगाने के बाद हम क्या लगाते हैं, इसको अंदर से बांधने के लिए हम क्या लगाते हैं, लेजर लगाते हैं। हमने क्या लगाया, लेजर लगाया, हॉरिजॉन्टली मेंबर, इसको क्या बोला, लेजर। ठीक है, अच्छा अब इन लेजरों को जब ये ज्यादा लंबाई हो जाती है, अब लेजर लगा लिया, लेजर लगाने के बाद हम क्या करते हैं, यहां से पुट लॉग लगाते हैं इधर की तरफ जिसपे हम खड़े होते हैं। ठीक है, ये पुट लॉग है आपका, इधर हम इधर साइड से देख रहे थे और ये वाली फिगर हम किधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं। ठीक है, इधर से अब इसको हम डायगोनली जिसमें हम बांध देते हैं, डायगोनली हम क्या करते हैं, बांधते हैं, वो डायगोनली जो चीजें कहलाती हैं, डायगोनली जो बांस बल्ली लगती है, वही हमारा क्या कहलाता है, ब्रेस कहलाता है। क्या बोलते हैं, ब्रेस बोलते हैं। हर जगह जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जहां जहां डायगोनली बांधा गया है वो क्या कहलाता है, ब्रेस कहलाता है। ठीक है, वॉल आपको पता चली गया। अब टो बोर्ड क्या होता है, तो टो बोर्ड जो सपोर्ट करता है इसको, इसको और इन तीनों को एक ही जगह रख के जो बांधते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, टो बोर्ड कहलाता है। कंक्रीट ब्लॉक, इसमें कोई बताने के हो, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब इतनी सारी चीजों को हम आगे पढ़ते हैं उनको सेंटेंस में, कि अगर क्वेश्चन आ गया तो वो किस सेंटेंस में पूछ सकता है कि इस सेंटेंस में इसका क्या नाम है। ठीक है, या बोल देगा कि एक शब्द दे देगा कि व्हाट इज द ब्रेश, तो चार ऑप्शन दे देगा, तो आप बताओगे दिस इज द डायगोनली मेंबर, ठीक ना, ऑफ द इसके फोल्डिंग। उसी प्रकार से देखिए, अगर स्टैंडर्ड क्या होता है, वर्टिकल ट्यूब हेल्ड सुटेबल डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल दैट ट्रांसफर द लोड टू द ग्राउंड। ये क्या करता है, वर्टिकल मेंबर है जो दीवार से कुछ दूरी पर बनाया जाता है, जो ट्रांसफर को क्या करता है, ग्राउंड तक, जो लोड को ग्राउंड तक ट्रांसफर करने का काम करता है। लेजर क्या होता है, लेजर हॉरिजेंटल मेंबर टू द वॉल, हॉरिजेंटल मेंबर टू द वॉल कनेक्टेड बिटवीन स्टैंडर्ड, वॉल को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक ना, किसके किसके बीच में, स्टैंडर्ड्स के बीच में, तो यही आपको हम बताए, इसका क्या काम है, ये हमने जो बताया लेजर का, कि स्टैंडर्ड के बीच में वॉल को सपोर्ट करने का काम करता है, कौन, लेजर। वॉल से नहीं कनेक्ट है, इसमें ना रहिएगा, वॉल से कौन कनेक्ट रहता है, ये जिसको क्या बोलते हैं, पुट लॉग बोलते हैं, जिसका क्या नाम है, पुट लॉग।
केवल और केवल ये पुट लॉग, ये इसके ऊपर, इसके पुट लॉग के ऊपर, लेजर के ऊपर, हाँ एक भाग हम क्या करते हैं लेजर के ऊपर, और दूसरा जो होल बना रहता है वॉल में, उसमें हम क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं, एक किनारा पुट लॉग का, एक किनारा दीवार के होल में और दूसरा किनारा लेजर के पास, ठीक ना। चलिए तो लेजर समझ गए आप और इसके फोल्ड, ये स्टैंडर्ड समझ गए। आइए पुट लॉक क्या होता है, तो दे आर द राइट एंगल टू द वॉल। वॉल जैसे ये वॉल है, ठीक ये वॉल है, वॉल के राइट एंगल, ये राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री पे। दीज आर हॉरिजेंटल मेंबर, ये कौन सा मेंबर है हॉरिजेंटल मेंबर, पैरेलल टू वॉल, वॉल जैसे जैसे है उसी के समांतर, ठीक ना। विच इज प्लेस वन एंड ऑन वॉल होल, एक किनारा कहाँ रहता है वॉल होल में, एंड अदर इज कनेक्टेड ऑन स्टैंडर और केप्ट ओवर लेजर। स्टैंडर पे या लेजर के ऊपर क्या होता है कनेक्ट रहता है या टिका होता है, रुका होता है, ठीक है। ट्रांसम या बेरर, इट इज यूज टू सपोर्ट स्टैंडर्ड, क्या करता है स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है, एंड प्लेस एट राइट एंगल टू द लेजर, ठीक है वो लेजर के राइट एंगल होता है, ठीक। बे विड्थ में डिफाइन बाई ट्रांसम, जो हमारा आने जाने का जो रास्ता होता है वो कौन डिफाइन करता है ट्रांसम, ठीक है। चलिए डायगोनल ब्रेशर, तो अभी आपको बताया टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर टू कैरी मोर लोड, वो क्या करता है कि हमारे स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, जो हम ऐसे बताए थे ना वही चीजें। बोर्ड क्या होता है, इट इज टेम्पोररी वर्किंग प्लेटफॉर्म मेड ऑफ स्टील, ये किस चीज का होता है मेड ऑफ स्टील का, या वुडन बोर्ड, टू केप्ट मटेरियल एंड फॉर स्टैंडिंग वर्कमैन, जो काम कर रहा है उसको खड़े होने के लिए या उस पे मटेरियल को रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, या तो स्टील मेंबर या वुडन के बोर्ड को, ठीक है। इट इज सपोर्ट ओवर पुटलॉग, जो पुटलॉग बना होता है उसके ऊपर क्या करता है सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। वोल्ट क्या होता है, यूज टू बाइंड द ऑल पार्ट ऑफ द स्कैफोल्ड टू विथ स्टैंड लोड एंड मेक ए फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक ये कहलाता है बोल्ट। चलिए आइए देखते हैं क्या है, ए फ्रेमवर्क रिक्वायर ए मैक्सिमम स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ 14 डेज प्रॉप टू स्लैब स्पैनिंग ओवर 4.5, अगर 4.5 मीटर से ज्यादा, 4.5 मीटर स्पैनिंग से कोई भी स्लैब है उसकी स्पैन कितना है 4.5 मीटर से ज्यादा है, तो उसमें जो इसके फोल्डिंग लगती है या जो फ्रेमवर्क लगेगा उसको हटाने में जो भी टाइम कितना होना चाहिए 14 दिन होना चाहिए। इस सस्पेंडेड इसके फोल्डिंग यूज फॉर पॉइंटिंग एंड पेंटिंग, सस्पेंडेड इसके फोल्डिंग क्या होता है, सस्पेंडेड का मतलब होता है कि ये जमीन पे टिका नहीं रहता है, इसको ऊपर से बांध, ऊपर से क्या करते हैं ऊपर जो पैरापेट होता है ना वहीं से बांध के नीचे लटका दिया जाता है रस्सी में, एक बांस को वो उसमें हम किसका काम करते हैं पॉइंटिंग का काम या पेंटिंग का काम करने के लिए। अकॉर्डिंग टू आई एस 10/440 1983 द फ्रेमवर्क फॉर द आरबी एंड आरबीसी, आरबी रेनफोर्ब्रिक या रेनफोर्ब्रिक सीमेंट फ्लोर फॉर रूफ शैल नॉट बी रिमूव बिफोर आफ्टर लेइंग 14 दिन, 14 दिन से पहले हम इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, किसको फॉर्म वर्क को, जो चीजें ऊपर यहाँ पे बताई गई, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनी हॉरिजेंटल मेंबर पैरेलल टू द वॉल यूज्ड इन स्कैफोल्डिंग इज कॉल्ड
स्ट्रिंगर, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर ऑफ कॉमर्शियल ग्रेडिंग इज बेस्ड ऑन डायमेंशन एंड जनरल अपियरेंस इन ग्रेड ए। तो ग्रेड ए का टिम्बर हम क्या करते हैं, कॉमर्शियल ग्रेडिंग में यूज करते हैं या अपियरेंस के लिए, ठीक ना। चलिए टाइप ऑफ इसके फोल्डिंग क्या होता है इनको देखते हैं। ब्रिक लेयर और सिंगल इसके फोल्डिंग या पुट लॉग इसके फोल्डिंग, ठीक, पहला। दूसरा क्या होता है, डबल इसके फोल्डिंग या मेसन इसके फोल्डिंग, नीडल और कैंटिलीवर इसके फोल्डिंग, ठीक है। सस्पेंडेड इसके फोल्डिंग, स्टील या ट्यूबुलर इसके फोल्डिंग या पेटेंटेड इसके फोल्डिंग, समझ गए। ये छह प्रकार के इसके फोल्डिंग्स होते हैं। इसको हिंदी में हम बोलते हैं, स्टार्टिंग में ही बताए थे, इसके फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, मचान बोलते हैं, ठीक है। देखिए ब्रिक लेयर से समझ में आ गया कि इस इसके फोल्डिंग को कहाँ यूज किया जाता है, ब्रिक के चिनाई में, सिंपल सी बात, ठीक है। सिंगल इसके फोल्डिंग से मतलब ये है कि जो हम बांस और बल्ली जो लगाते हैं ना, तो वो एक लगाते हैं और उसी को दीवार से क्या करते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, तो ये क्या हुआ, सिंगल इसके फोल्डिंग कहलाता है। क्योंकि ये पुट लॉग जो होता है ना, तो उसको हम किस पे टिकाते हैं, एक भाग दीवार पे टिकाते हैं, एक भाग हम किस पे, इधर देखिए, एक भाग क्या किए, दीवार पे टिका दिए, ठीक है, और दूसरा भाग हमने किस पे टिका दिए, इस पे, लेजर पे, ठीक है, फुट लॉक को। तो ये सिंगल इसके फोल्डिंग है, कौन सी है, सिंगल इसके फोल्डिंग। अब जब यहीं पे जब किसी दीवार की चिनाई करनी हो, ब्रिक चिनाई करनी हो, ठीक है, जब कभी भी ब्रिक की चिनाई करनी होती है, तो वो पतला होता है, ब्रिक जो थिकनेस होती है उसका पतला होता है, तो उसमें हमें सिंगल इसके फोल्डिंग काम आ सकती है। लेकिन जब कभी स्टोन की चिनाई होती है, स्टोन मशीनरी में, ये क्या होता है, मोटा होता है, उसका थिकनेस क्या होता है, मोटा होता है, और उसमें होल करना भी संभव, मतलब हम कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको बाद में भरने में दिक्कत आती है, इसलिए वहां पे हम क्या यूज करते हैं, डबल इसके फोल्डिंग। लेकिन इसमें दीवार में क्या करते हैं, ये जहां जहां पुट लॉग रखा गया है, यहाँ पे जो होल है, बाद में उतारते समय ना क्या करते हैं, इसको भरते चले जाते हैं प्लास्टर वगैरह करने के बाद, ठीक है। तो सिंगल इसके फोल्डिंग और डबल इसके फोल्डिंग समझ में आ गया। सिंगल इसके फोल्डिंग कब यूज करते हैं, जब दीवार की थिकनेस पतली हो और उसमें क्या करना हो, ज्यादा लोड की आवश्यकता भी नहीं होती, उस जगह पे हम इसके फोल्डिंग यूज करते हैं और उसके होल को भरने में कोई दिक्कत ना आती है। और जहां पे दीवार की मोटाई ज्यादा हो और उसके होल को भरने में दिक्कत आती हो, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, डबल इसके फोल्डिंग। डबल इसके फोल्डिंग का मतलब ये होता है कि यहीं पे जो सपोर्ट दी जा रही है, ये वाले इधर का हिस्सा, यहीं पे एक वर्टिकल में हम और बांस लगा देते हैं, बांस या बल्ली को खड़े कर देते हैं, तो एक और दो मिलके क्या कहलाता है, डबल इसके फोल्डिंग, समझ गए। ये मैक्सिमम किस में यूज होता है, स्टोन मेसनरी में यूज होता है, समझ गए आप। चलिए उसके बाद तीसरे नंबर पे था हमारा कौन सा, निडिल, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा था, निडिल, तो वो क्या कहलाता है, निडिल या कैंटिलीवर। अगर ये दीवार है, इधर साइड में कोई रोड जा रही है, क्या जा रही है, इधर में रोड जा रही है, और हम यहाँ पे हम होल मतलब क्या करते हैं, होल बना के इसको हम यहाँ खड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहां से एक सपोर्ट देते हैं इस प्रकार से,
और इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर स्टैंडर्ड खड़ा करके हम काम कर लेते हैं, और ये पूरा का पूरा ये वाला स्टैंडर्ड जो होता है वो दीवार में लगा देते हैं। इस प्रकार का जो सपोर्ट कहलाता है वो एक पूरा का पूरा कैंटिलीवर बीम की तरह कार्य करता है। यहां पे जो रखते हैं इनको हम कुछ पीछे तक लाते हैं, ठीक है, और पीछे जहां पे रूफ बना होता है ना, जो छत बना होता है, वहां से एक स्टैंडर और खड़ा करते हैं इसके फर्स्ट वाले फुटलॉक से। ठीक, अब ये ऊपर की तरफ, इधर पे अगर लोड पड़ता है तो ये ऊपर की तरफ ना जाए, इससे हम क्या करते हैं रूफ से, है ना, रूप से दूसरी तरफ हम इसको बांध देते हैं। अब ये सपोर्ट रहेगा तो ये ऊपर की तरफ भागेगा नहीं, अगर जब ये ऊपर की तरफ भागेगा तो ये रोकेगा, ठीक है, तो ये रोकेगा तो नीचे दबाएगा इसको, नीचे जब दबा रहा है तो ऊपर वाला भी क्या हो, मतलब अगर जब ये दबाएगा ऐसे है, दबाएगा तो ये नीचे जाएगा तो ये इधर से पीछे वाला उठेगा। अब इसको हम करते हैं इससे बांध देते हैं, ये एक प्रकार का इस तरह से काम करता है, और पूरा का पूरा कैंटिलीवर पूरा काम होता है, उसी को हम नीडिल या कैंटिलीवर इसके फोल्डिंग बोलते हैं। समझ गए आप, स्टील या ट्यूबलर इसके फोल्डिंग क्या कहलाता है। तो जो यहाँ बांस बल्ली ये जो लकड़ी का बना हुआ है वो किसका बना रहता है, स्टील का ट्यूब रहता है होल ऐसे, ठीक ना, उसका बनाते हैं, उसमें नट वगैरह यूज करते हैं, इसमें इसको बांधने के लिए हम रस्सी यूज करते हैं, लेकिन उसमें नट बोल्ट है, ठीक ना, ये सब यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए ब्रिक 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 बोलिए सर। हो जाए कल मना कर। हाँ नहीं।
आइए, तो ब्रिक लेंगे, आप समझ गए थे। सॉरी यार, थोड़ा किसी कार्य की वजह से लेट हुआ या कुछ कार्य जरूरी आ गया था इसलिए। चलिए, दूसरा क्या था हमारा, मिशन और डबल। पहला वाला समझ में आ गया था ना, फिगर से हम समझ लिए थे। दूसरा देखते हैं, इफ देयर इज डिफिकल्ट टू लीव वॉल, अभी बताए थे, इन स्टोन वॉल टू सपोर्ट द पुट लॉग मेशन और डबल स्कैफोल्डिंग इज प्रोवाइडेड। जब हमें होल में क्या होता है, दिक्कत होता है बंद करने में, तो उस समय हम क्या यूज करते हैं, या स्टोन स्टोन के उसमें हम क्या यूज करते हैं, मेशन या डबल स्कैफोल्डिंग। इट्स टू फ्रेम ऑफ स्टैंडर्ड, दो फ्रेम को जैसे अभी फिगर में बताए थे, दो स्टैंडर्ड को हम खड़ा करके क्या करते हैं, टू फ्रेम बनाते हैं। लेजर एंड ब्रेस यूज्ड, वन इज प्लेस्ड नियर द वॉल एंड अदर इज 1.5 मीटर अपार्ट द फर्स्ट। ठीक है, टू रो ऑफ स्टैंडर्ड आर प्रोवाइडेड इन दिस सिस्टम, इट इज टोटली फ्री फ्रॉम मेसनरी वॉल, मेसनरी वॉल से ये कोई भी अटैच नहीं होता है। इट इज जनरली यूज फॉर स्टोन मैसनरी, मैक्सिमम हम किसमें यूज करते हैं, स्टोन मैसनरी में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग, ये क्या कहलाता है, ऑल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए, ये पूरा फिगर देख रहे हैं, ये दीवार है, पूरा का पूरा फ्री फ्रॉम किससे है, मैसनरी वाल से है। कहाँ यूज करते हैं, स्टोन मैसनरी में यूज करते हैं। दो वर्टिकल भाग होता है स्टैंडर्ड्स का, ठीक है, ओके। बाकी पूरा का पूरा इसका जो फ्रेमवर्क होता है इस प्रकार से होता है, समझ गए आप। चलिए, तीसरा वाला था नीडिल या कैंटिलीवर इसके फोल्डिंग, इनके फिगर को हम देख लेते हैं। ये होता है नीडिल और वो इसके फोल्डिंग होता है। देखिए, ये अंदर की तरफ फ्लोर है, लेकिन बाहर पे हम क्या करते हैं, कुछ नहीं बना सकते, और पूरा का पूरा कार्य क्या होता है, कैंटिलीवर बीम की तरह होता है। ये बनाया हमने, फिर उसके बाद इसका एक सपोर्ट जो लेजर ये पुटलॉग होता है हम दीवार में लगाए, फिर उसके बाद आगे पूरा का पूरा काम उसी प्रकार से होता रहता है, जैसे हमारा बाकी सब इसके फोल्डिंग का कार्य होता है। ठीक है, कह रहे इट इज वाइडली यूज वेयर ए बिल्डिंग इज ऑन द साइड ऑफ बिजी स्ट्रीट, वेयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डिनरी स्कैफोल्डिंग ऑब्स्ट्रक्ट द ट्रैफिक ऑन रोड। ठीक है, जहां पे जिस दीवार के बगल में गली हो और बहुत ज्यादा बिजी हो या कोई रोड हो, वहां पे इस प्रकार के स्कैफोल्डिंग नहीं यूज कर सकते सिंगल या डबल, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, कैंटिलीवर का। इट इज हाईली बेस्ट इफेक्टिव व्हेन मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन इज नीडेड एट ए ग्रेड हाइट। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज सिंगल फ्रेम स्कैफोल्डिंग, कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग आर यूज्ड व्हेन द ग्राउंड डज नॉट हैविंग द कैपेसिटी ऑफ सपोर्ट स्टैंडिंग, ज्यादा लोड को ये क्या करता है, नहीं ले सकता। और दूसरा ये कह रहा है व्हेन ग्राउंड डज नॉट हैविंग, इससे ग्राउंड की कैपेसिटी से ज्यादा ये नहीं ले सकता। व्हेन द ग्राउंड नियर द वॉल इज टू बी फ्री फ्रॉम ट्रैफिक देन कैंटिलीवर इसको फोल्डिंग इज यूज्ड, मतलब ग्राउंड के पास में ट्रैफिक क्या हो, आती जाती रहे, उस जगह पे हम किसका यूज करते हैं, कैंटिलीवर का। ये आप फिगर देख लिए, ठीक है। चलिए, सस्पेंडेड
सस्पेंडेड को हम आप दिखा देते हैं, ये होता है जैसे हम बताए थे ऊपर से क्या करते हैं सपोर्ट दे देते हैं, बांध देते हैं, और नीचे रस्सी से हम क्या करते हैं लटका देते हैं, और लटकाने के बाद यहीं पे मेसन क्या होता है मिस्त्री या लेबर अपने मटेरियल को रख के अपना पूरा का पूरा काम कर लेते हैं। ये स्टार्टिंग में ही बताए थे कहाँ यूज किया जाता है, पेंटिंग और पॉइंटिंग में, कहाँ यूज किया जाता है पेंटिंग और पॉइंटिंग में, ठीक है। देखिए देयर इज नो यूज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रेसिंग ईटीसी, इसमें कोई स्टैंडर्ड और ब्रेसिंग वगैरह यूज नहीं किया जाता है। दी इसके फोल्डिंग आर सपोर्ट यूजिंग रोप रस्सी या चैन फ्रॉम स्ट्रांग ओवरहेड स्ट्रक्चर, जो ऊपर जो सबसे स्ट्रांग स्ट्रक्चर बना होता है उससे हम क्या करते हैं सपोर्ट करके बनाते हैं। इट इज फ्री फ्रॉम टच ऑफ ग्राउंड, ये क्या होता है ग्राउंड से फ्री होता है, ग्राउंड पे ये कोई टच नहीं करता है। यूज फॉर पेंटिंग एंड रिपेयरिंग वर्क, ठीक है, ये तो आपने देख ही लिया। ठीक, अब आते हैं स्टीलर ट्यूबलर, इसके फोल्डिंग मैक्सिमम हर जगह, अब लगभग लगभग बांस बल्लियां जंगल फंगल सब कट रहे हैं, बांस लकड़ी का सब कम हो रहा है, ठीक ना, तो उस वजह से हम उसका दूसरा ऑप्शन भी खोज लिए हैं जो आता है स्टील का, ठीक है, ये सब सारी चीजें, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है स्टील या ट्यूबलर, इसके फोल्डिंग कहलाता है। स्टील ट्यूब इसकी जो डाया होती है वो कितना होता है 40 से 60 mm, ठीक है। एडवांटेज क्या है, हायर ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, इसमें कोई होल और कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट खड़ा किए और सपोर्ट देते देते हम क्या किए ऊपर तक बनाते चले जाते हैं। रैपिड इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग, बहुत ही जल्दी हम इसको बना भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। हायर फायर रेजिस्टेंस एंड सॉल्वेज वैल्यू, इसकी फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या होती है ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए पैटेंटेड इसके फोल्डिंग, दीज आर मेड ऑफ स्टील एंड इक्विपाई विथ स्पेशल कपलिंग एंड फ्रेम, इन दिस टाइप ऑफ इसके फोल्डिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म इज अरेंज ऑन ब्रैकेट विच कैन बी एडजस्टेबल टू आवर रिक्वायर्ड लेवल, जिस हिसाब से हमें जरूरत पड़ती है उस हिसाब से हम उसको फैला सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक ना, तो वो कौन सा चीजें कहलाता है पैटेंटेड इसके फोल्डिंग, जी है। इसमें देखिए सीढ़ी भी बनी है, ये भी स्टील की है, ठीक ना, ये इसके फोल्डिंग ऐसे ही बनता चला जाता है, अपने हिसाब से अपनी चौड़ाई के अनुसार इसको बनाते हैं और कम करते हैं, ठीक। तो ये कौन सा कहलाता है पैटेंटेड इसके फोल्डिंग कहलाता ट्रेस्टल इसके फोल्डिंग क्या कहलाता है, तो ट्रेस्टल इसके फोल्डिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी क्या है फ्री फ्रॉम है, किससे, जो मेसनरी वाली है जो कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर है उससे दूर होता है, ठीक है। ये सीढ़ी लगी है इसमें, ठीक। वर्किंग प्लेटफॉर्म इज सपोर्ट ऑन मूवेबल ट्राइपोड्स, इनको क्या करते हैं मूवेबल है, ठीक ना, अपने अनुसार मूव कर सकते हैं। इज जनरली यूज फॉर वर्क इन साइड रूम फॉर पेंटिंग रिपेयर अप टू ए हाइट 5 मीटर तक, 5 मीटर तक के हाइट के लिए हम इसमें यूज कर सकते हैं। गेंट्री, गेंट्री आपने देखा होगा कि अगर आप प्रयागराज में रहते हैं तो इसमें कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है शास्त्री ब्रिज के पास, तो आप देखे होंगे कि नीचे विदाउट कोई सपोर्ट को हम क्या कर रहे हैं रेलवे ब्रिज वाला
चीजें धीरे धीरे प्रतिदिन आगे बढ़ाते जा रहे हैं। वो क्या होता है, एक पहिया होता है, उस पर क्या करता है, धीरे धीरे सामान को ले आना ले जाने वाला कार्य करता है, ठीक ना। तो वो जो आता जाता रहता है, वो जो इसके फोल्डिंग के, वो भी एक इसके फोल्डिंग ही है, वो क्या कहलाता है, गैंट्री कहलाता है। वही चीज यहाँ पे, गैंट्री गर्डर्स इज डिजाइन टू रजिस्ट लेटरल लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल लोड, ठीक है इसके फोल्डिंग, सामान को ले आने ले जाने के लिए जो हमारा कार्य है वो क्या होता है। चलिए ये है गैंट्री आपका, गेंट्री को अगर देखा जाए ध्यान से तो ये चैन लगा हुआ है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है यहाँ पे ये हुक है, इसी में हम सामान को क्या करते हैं, रख देते हैं, ठीक है। और ये आगे अपना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फिर यहीं से ये क्या होगा, पीछे भी आ जाएगा, ये भी ऐसे ही इस पे ये मूव करता है, ठीक ना। ये नीचे प्लेटफॉर्म लगा हुआ रन में, इस पे ये मूव करता है आगे पीछे, और इस वाले पे ये मूव करता है आगे पीछे। तो उस पूरे एरिया को, इस पूरे एरिया को क्या करता है, ये पूरा काम देखता रहता है, ठीक है। गेंट्री विथ ट्रेवल एंड क्रेन गर्डर्स, इट इज हैंड ऑपरेटेड, इसको क्या करते हैं, हाथ से ऑपरेट करते हैं, या इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ओवरहेड क्रेन यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एज फैक्ट्री वर्क टू लिफ्ट हैवी मटेरियल इक्विपमेंट ETC टू मेक फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद इन अ बिल्डिंग। हमें एक जगह से दूसरे जगह पे सामान को लेके आना जाना है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, गैंट्री का, ठीक ना। ये हाथ से भी चलता है और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक से भी चलता है, ठीक ना। ये हम कहाँ यूज करते हैं, फैक्ट्री में यूज कर सकते हैं, और हैवी लोड को उठाने के लिए यूज करते हैं। हैवी लोड अगर ऊपर से नीचे, मतलब नीचे से ऊपर लेके जाना है, ठीक ना, तो वो किसी आम आदमी और इसके उसमें कोई कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। स्लिप फॉर्म इज स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेमवर्क विदाउट सपोर्ट फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से सपोर्ट किए बिना, इट इज यूज द कंस्ट्रक्शन ऑफ टाल स्ट्रक्चर दैट इज मूव अपवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, ये ऊपर ऑटोमेटिक ये ऊपर उठता चला जाता है, करते हैं। यूजफुल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज टावर चिमनी सिलोज एंड शाफ्ट लाइनिंग, मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर स्टोरी हाइट 7 स्टोरी से ज्यादा होना चाहिए। किया है आपका, ठीक है। ये सपोर्ट धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे ये दीवार आपकी बनती जाती है और वो क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, समझ गए आप। और बाद में इसको क्या करते हैं, हटा लेते हैं। जैसे आप इस समय इसका एग्जाम्पल तो आप यहां पे नहीं देखे होंगे आपके भारत में, लेकिन आप जब डिवाइडर बनते हुए कहीं देखे होंगे, तो इस समय डिवाइडर आरसीसी बन, वो आरसीसी नहीं, सीमेंट कंक्रीट होता है ना, वो एक गाड़ी में, एक ट्रॉली में, वो एजिटेटर ट्रक में बन के आता है, और नीचे एक इसके फोल्डिंग होती है, एक मशीन होती है जो पूरा का पूरा रेडीमेड डिवाइडर ही बनाते चला जाता है, सीधे ढालते चला जाता है, देखे होंगे आप। तो उसी प्रकार से ये है, नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा आपका पूरा इसके फोल्डिंग का है, और ये दीवाल जैसे होता है, ये जैसे जैसे दीवाल बना बनता चला जाता है, वो ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। ये जो देख रहे हैं ना, ये रेनफोर्स है, ठीक है, समझ गए आप। चलिए शोरिंग क्या होता है, शोरिंग को अगर हम हिंदी में बोले तो इसे हिंदी में कहते हैं टेक, और टेक को हम किससे जानते हैं, सपोर्ट से, किससे जानते हैं, सपोर्ट से। अगर हम सपोर्ट से जानते हैं, सपोर्ट्स, अगर हम सपोर्ट से जानते हैं, तो अगर हम खड़े हैं तो कोई हमें खड़ा ही सपोर्ट दे रहा है तो वो स्टैंडिंग हो गया, वो वर्टिकली। अगर कोई इंक्लाइंड, अगर हम गिर रहे हैं तो कोई हमें ऐसे धक्का दे रहा है तो क्या हो गया, इंक्लाइंड सपोर्ट, ठीक है। कोई हम ऐसे हैं तो कोई हमें हॉरिजेंटली दे रहा है तो वो हॉरिजेंटल सपोर्ट।
तो वही सारी चीजें यहाँ पे हैं। सोरिंग इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर टू सपोर्ट एंड अनसेफ स्ट्रक्चर। जो अनसेफ स्ट्रक्चर है ठीक है, उसको क्या करता है, सपोर्ट देने का काम करता है। इट इज यूज्ड इन केस ऑफ वॉल क्रैक, ब्लज आउट ऑफ वॉल ओपनिंग आर टू बी न्यूली मेड, टिम्बरिंग ऑफ द ट्रेंच ईटीसी, यूज टू चेंज द रूम डायमेंशन। ठीक है, किसमें यूज करते हैं, रूम के डायमेंशन को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सोरिंग का यूज करते हैं। ओके चलिए, टाइप ऑफ सोरिंग, इंक्लाइंड और रैंकिंग शोर, बताया ना, कोई अगर तिरछा दे रहा है तो उसे इंक्लाइंड। देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए, ये इंक्लाइंड सोरिंग कहलाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें, ये वॉल है, वॉल को सपोर्ट दे रहा है, तो ये कैसा हुआ इस प्रकार का, तो ये इंक्लाइंड शोरिंग हो गई। नीचे वाला बॉटम शोर, बीच वाला मिडिल शोर, ठीक है, और ये क्या कहलाता है, बाइंडिंग हो गया। ऊपर वाला टॉप शोर, ठीक है, और ये दीवार से बगल में एक क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे वॉल प्लेट लगा हुआ है। डायरेक्ट हम एक आधार देने के लिए, किसको आधार देने के लिए, शोर को आधार देने के लिए वॉल प्लेट लगाया जाता है। मतलब अगर पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा का पूरा सपोर्ट इकट्ठा एक ही बार में लगे दीवाल पे, ये नहीं कि अगर हम आधार प्लेट नहीं देते हैं तो ये वाला क्या करेगा, यहाँ पे दाब डालेगा और यहीं पे होल कर देगा। ठीक है, चलिए, तो दिस सिस्टम ऑफ गिविंग टेम्पोररी सपोर्ट टू एन अनसेफ वॉल। इन दिस मेथड इंक्लाइंड मेंबर नोन एज रैकर यूज टू गिव लैटरल सपोर्ट टू वॉल। जो इंक्लाइंड मेंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, रैकर्स। इसको किस लिए यूज करते हैं, लैटरल सपोर्ट वॉल पे, ठीक ना। इंक्लिनेशन ऑफ रैकर 45 डिग्री से लेके 75 डिग्री तक होता है। एंगल बिटवीन टॉप शोर एंड प्लेटफॉर्म 87 to 89। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रैकर अलोंग द वॉल लेंथ 3 to 4.6 मीटर। इंक्लाइंड रैकर आर सुटेबल फॉर 5 मीटर हाइट ऑफ वॉल। ठीक है, 5 मीटर वॉल के लिए हमारा इंक्लाइंड रैकर सुटेबल रहता है, ठीक ना। और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन रैकर अलोंग द वॉल लेंथ कितना होना चाहिए, 3 to 4.6 मीटर तक होना चाहिए। ये है आपका फ्लाइंग शोरिंग या हॉरिजेंटल शोरिंग। ये देखिए, ये होता है हॉरिजेंटल शोरिंग। इसका दीवार, इसका नीचे कोई सपोर्ट नहीं रहता है, एक दीवार इधर है, दूसरा दीवार उधर है, तो इनके बीच में क्या हो, हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेंटेन बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटल शोरिंग का यूज करते हैं, या इसे हम फ्लाइंग टिम्बर शोरिंग भी बोलते हैं या फ्लाइंग शोर। ठीक है, देखिए, फ्लाइंग शोरिंग सिस्टम इज प्रोवाइडिंग टेम्पोररी सपोर्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ वॉल ऑफ द टू बिल्डिंग। दो बिल्डिंग है और उनके बीच में आपसी दूरी बनी रहे, वहां पे जो सपोर्ट हम इंक्लाइंड जो यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, फ्लाइंग या हॉरिजेंटल सोरिंग। जैसे ये सोरिंग उसी में काम करता है जिस प्रकार से दो पड़ोसी आपस में दूर दूर रहना चाहते हैं, तो ये भी इसके फोल्डिंग कहता है कि जब पड़ोसी घर में रहने वाला इंसान जब दूर दूर रहता है तो दीवार दूर दूर क्यों नहीं रहेगी, वहां पे जब ऐसा करना होता तो हम इसको यूज कर लेते। ठीक है, एक मजाक कर रहे थे, मतलब दो अगल बगल या कोई दो बिल्डिंग है या दो दीवार है उनके बीच में आपसी दूरी मेंटेन बनाए रखना है, तो हम इसका यूज करते हैं, जब वो सेट हो जाता है तो उस इसके फोल्डिंग या शोरिंग को हम हटा लेते हैं। सेंटर लाइन ऑफ फ्लाइंग शोर एंड स्ट्रट एंड दोज ऑफ द वॉल शुड मीट एट फ्लोर लेवल ऑफ द टू बिल्डिंग। स्ट्रट इंक्लिनेशन 45 डिग्री, ठीक है। सिंगल फ्लाइंग शोर इज सुटेबल फॉर 8 to 10 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, चलिए,
ये तो आप देख ही लिए, डेड आर्ट वर्टिकल सोरिंग क्या कहलाता है, इसको देखते हैं यहां पे। ये होता है डेड आर्ट वर्टिकल सोरिंग कि अगर कोई भी दीवार है उनके बीच में अगर आपको क्या करना है, चीजों को बदलना है या हटाना है, वहां पे हम क्या करते हैं, अलग अलग हम क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं और इनके बीच में इस दीवार को हम ऊपर की तरफ टिकाए रहते हैं, और नीचे अगर कोई चीज खराब हो गई उसको हम क्या करते हैं, हटा लेते हैं, ठीक है, इसके फोल्डिंग से। और जब ये नीचे वाली चीजें बन जाती हैं तो हम इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। एक देखिए, वर्टिकल शोर इज यूज टू रेंडर वर्टिकल सपोर्ट टू फ्लोर वॉल रूफ, डेड शोर इरेक्टेड टू इंक्रीज द साइज ऑफ ओपनिंग इन एन एग्जिस्टिंग वॉल। वही चीजें, जो वॉल बनी है इनके साइज को क्या करना है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, या इनके बीच में मेंटेनेंस करना है, वो सब सारी चीजें किसमें आती हैं, वर्टिकल में। पर्पस क्या होता है, ओपन इन द वॉल टू बी मेड, हमें वॉल में क्या करना है, ओपनिंग करना है, टू रीबिल्ड द डिफेक्टिव लोअर पार्ट्स ऑफ द वॉल, फिर से बनाना है डिफेक्टिव पार्ट को, नीचे जो खराब हो गई उनको फिर से अगर बनाना है तो वो क्या कहलाता है, इसमें कौन सा, वर्टिकल में। टू रिप्लेस आर डीपेन द एग्जिस्टिंग फाउंडेशन, रिप्लेस भी करना है हा? तो वहां पे हैव आइदर बिकम अनसेफ और रिक्वायर्ड स्ट्रेंथिंग फॉर कैरिंग हैवियर लोड, ठीक है। ए बटर इन ए वॉल इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड ए लेटरल सपोर्ट ऑफ वॉल, ठीक। चलिए अंडरपिनिंग, अंडरपिनिंग क्या होता है, वर्टिकल सपोर्ट और अंडरपिनिंग एक प्रकार का मिलता जुलता चीज है, इनको हम देखते हैं होता क्या है। अगर कोई फाउंडेशन या कोई बिल्डिंग, कोई फाउंडेशन को अगर हटाना है फिर से नया फाउंडेशन लगाना है, या किसी बिल्डिंग को ऊपर उठाना है या किसी बिल्डिंग को पीछे लेके जाना है, ठीक है, वो पूरा का पूरा अंडरपिनिंग पे होता है, ठीक है। तो जो भी प्रक्रिया उसमें होती है वो कहलाता है अंडरपिनिंग, ठीक। देखिए यहाँ पे अंडरपिनिंग द प्रोसेस अप्लाई टू द बिल्डिंग और न्यू वर्क अंडर नेट एंड एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स स्टेबिलिटी, जो ऊपर स्ट्रक्चर बना है बिना उसके डिस्टर्ब किए हम उसके अंदर के भाग को क्या करते हैं, नया बनाते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं, मतलब ऊपर वाली चीज डिस्टर्ब नहीं होती है। अंडरपिनिंग इज नेसेसरी व्हेन डिफेक्टिव फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ वॉल इज टू बी रिप्लेस न्यू फाउंडेशन, या व्हेन द एग्जिस्टिंग फाउंडेशन ऑफ ए वॉल इज रिक्वायर्ड टू बी स्ट्रेंथ टू इनेबल इट टू कैरू मोर लोड, ठीक ना। तो जब कोई फाउंडेशन खराब हो गई और उसको न्यू बनाना है, या उसके ऊपर ज्यादा लोड आने की वजह से अगर कोई दिक्कत होती है, तो नीचे हमें फाउंडेशन को क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, अंडरपिनिंग। इट इज डन फॉर शॉर्ट लेंथ ऑफ 1.2 मीटर से लेके 1.8 मीटर। अंडरपिनिंग इज अ मेथड रिपेयर एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशन, ठीक है। ये सारी चीजें, इधर इधर हम जैक लगाते हैं, ये ऊपर का पूरा चीजें होती हैं, और ये बीम होता है, बीम से और दोनों तरफ, एक अंदर फ्लोर की तरफ होगा एक बाहर होगा, इसको हम क्या करते हैं, उठा देते हैं, और पूरे ऊपर के पूरे बिल्डिंग का लोड किस पे आ जाएगा, इस स्टील बीम पे आएगा। अब नीचे वाला चीजें क्या हो गई, इसको हम हटा सकते हैं और जो भी चीजें सही से लगानी है लगा सकते हैं। लगाने के बाद इन जैक को धीरे धीरे हम क्या करते हैं, जब बन जाता है तो इस जैक को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे नीचे, और जब इस पे लोड आ जाता है तो इसी को हम जैक को हटा लेते हैं, ठीक। चलिए, शूटिंग इज द आर्ट ऑफ ड्रेसिंग ऑफ एज टिम्बरिंग पीसेस सो एज टू मेक देम स्ट्रेट एंड स्क्वायर विद द फेस। एक
चलिए, तो ये था हमारा अभी तक का पूरा इसके फोल्डिंग, शोरिंग, अंडरपिनिंग, ठीक है, सपोर्ट, ये सब सारी चीजें हम जाने हैं, समझे हैं, सीखे हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि ये समझ के और चीजें देख के अच्छा भी लगा होगा। अंडरपिनिंग आपको बता दें, धीरे 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 उभरता एक नया बिजनेस हो रहा है। इसमें मैक्सिमम इतना सारा, अगर अंडरपिनिंग को ही जानना होगा तो आप अपने मोबाइल में यूट्यूब वगैरह पे इसमें देखेंगे कैसे इसका कार्य होता है। आप देख के अचंभित हो सकते हैं, देख के वो कह सकते हैं इतना सारा टेक्नोलॉजी, इतना सारा टेक्नोलॉजी होता है उसमें कि कितना आगे तक लोग चले गए हैं। मतलब ऊपर की बिल्डिंग डिस्टर्ब नहीं हो रही, हम बिल्डिंग को आगे पीछे घसका दे रहे हैं। आगे पीछे घसकाने का मतलब पता है, जब कहीं पे ये कब यूज होता है, जब रोड बनी हुई है, ठीक, और हम वहां पे घर बना लिए हैं उस रोड से थोड़ा ऊपर, लेकिन कुछ सालों बाद वो रोड आपके लेवल से क्या हो गई, ऊपर हो गई, तो आप क्या कर सकते हो, बिल्डिंग को उठा के ऊपर ला सकते हो अंडरपिनिंग के मेथड से। उसके बाद कोई रोड अगर चौड़ी हो रही है और आपका रोड बीच में, आपका घर बीच में आ रहा है, तो उस और पीछे आपकी जमीन है, ठीक ना, खाली पड़ी है, तो अंडरपिनिंग से आप पूरे पूरे घर को क्या कर सकते हो, पीछे कर सकते हो। इतनी इंटरेस्टेड चीजें हैं, इतनी इंटरेस्टेड वाली बातें हैं, इतनी इंटरेस्टेड चीजें इसमें कि आपको हम क्या बताएं। ठीक, तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे, सीखे होंगे, मजा भी आया होगा। आप अंडरपिनिंग एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है, और आराम से ध्यान से पढ़ाई करिए, क्वेश्चन लगाइए, कोई दिक्कत हो